मुलायम की सेहत का हाल जानने के लिए आज भी दिग्गजों का मेदांता अस्पताल में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुलायम का हालचाल जाना और अखिलेश यादव से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी मेदांता अस्पताल पहुंचे। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मुलायम के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उधर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी मेदांता पहुंचे और अखिलेश से मिलकर नेताजी की तबीयत के बारे में जानकारी ली। इनके अलावा मेरठ शहर से सपा विधायक रफीक अंसारी और पूर्व विधायक मदन भैया ने भी नेताजी की सेहत का ढेर लिया। सपा विधायक रफीक अंसारी ने बताया कि बहुत जल्द नेताजी ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि वे आज जो कुछ भी हुआ है सब नेताजी की बदौलत ही उनके साथ हुआ है। उनसे हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने खास बात की है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती नेताजी की सेहत जानने के लिए पूरे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि नेताजी जल्द स्वस्थ हो जाएं। हमारे साथ हैं मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी साहब, जो यहाँ काफ़ी देर से हैं और नेताजी का हालचाल भी जाना है। जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनसे भी मुलाकात इन्होंने की है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। रफीक साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, हमने देखा कि सुबह से आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या क्या रहा अंदर, नेताजी से मुलाकात हो पाई, अखिलेश जी से मुलाकात हो पाई? देखिए, यहाँ आज जो हमने भी महसूस किया, दो चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर, या तो कमी में या खुशी में, उसकी ताकत का पता लगता है। लेकिन माने मुलायम सिंह यादव साहब ऐसी शख्सियत हैं कि आज कमी के अंदर जो पूरी ज़िंदगी उनके सामने मुकाबला किया विरोध में, आज वो लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और वो ऐसी नहीं दुआ कर रहे हैं, उनकी ज़मीन से उठकर आए हैं वे लोग और ऐसे ऐसे लोगों का भविष्य और मुस्तकबिल बनाया उन्होंने। मैं उसकी एक मिसाल हूँ। हम पर कुछ भी नहीं था 2012 में, एक साइकिल थी, साइकिल वाले को टिकट दिया उन्होंने और कहाँ से कहाँ उठा दिया। आज 2 बार MLA हूँ मैं, उनकी वजह से हूँ। और हारने के बाद लोग हारने के बाद पूछते नहीं हैं, लेकिन उन्हें मिनिस्टर बनाने का काम हमें किया, तो उनके अंदर वो खोज थी सियासी कि अगर हम उनको ताकत देंगे तो ये पार्टी का भी काम आएगा और अपने आप में भी काम आएगा। ऐसे लोगों को पहचान करना, करोड़ों लोगों के बाद एक इंसान ऐसा दुनिया में पैदा होता है जिसका नाम मुलायम सिंह यादव।